Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. अनुज गणेश, मैंने अभी जिस स्रोत का उच्चारण किया उसके अनुसार शर भव रुद्र उग्र भीम पशुपति महादेव और ईशान जगत पिता शिव की अष्ट मूर्तियां हैं। जिसमें प्रथम है भव अर्थात जल तत्व। द्वितीय मूर्ति शर्व का अर्थ थल से। अष्ट मूर्तियों में तृतीय है रुद्र अर्थात अग्नि तत्व। वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोरसंहाराय सकल लोकाय सर्वभूताय सत्य साक्षात्कराय। चतुर्थ मूर्ति है उग्र जो ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त वायु तत्व के द्योतक है। पंचम मूर्ति है भीम अर्थात अंतरिक्ष। षष्ठम है महादेव महादेव महादेव। जो चंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सप्तम मूर्ति है ईशान अर्थात साक्षात सूर्य। और अष्टम है पशुपति अर्थात सभी चराचर जीवों के प्राण तत्व। गणेश, इस प्रकार प्रभु शिव की अष्ट मूर्तियां अर्थात अष्ट रूप है। पांच आधारभूत तत्व तथा चंद्र सूर्य एवं ब्रह्मांड का समस्त जीवन इन सभी में प्रभु शिव का ही तो वास है। काल नेत्र त्रिनेत्र शूल त्रिशूल गात्रम् दिव्य प्रकाश मंत्र स्वरूप मात्रम् निष्प्रपंचादि निष्कलंकोहम् निज पूर्ण बोधहम् प्रत्यगात्माहम् नित्य ब्रह्मोहम् स्वप्रकाशोहम् हम। और इन्हीं अष्ट रूपों में ही तो समस्त सृष्टि भी समाहित है, क्रियान्वित है। इस
इसीलिए ये समस्त सृष्टि और कुछ भी नहीं, स्वयं शिव ही तो है। अद्भुत भैया। अद्भुत तो तुम्हें तब प्रतीत होगा गणेश, जब तुम प्रभु शिव की महिमा को पूर्ण रूप से समझोगे। वो परम शक्ति, वो परम ऊर्जा जो सर्वव्यापी है, जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती है, वो अपनी संपूर्ण स्थिरता में शिव ही तो है। और वही परम ऊर्जा गतिशील होकर अपने स्त्री रूप में माँ पार्वती एवं पुरुष रूप में श्री हरि नारायण बनकर प्रकट होती है। अर्थात शिव ही सृजनकर्ता ब्रह्मदेव भी है और पालनहार श्री हरि नारायण भी। शिव ही परम ब्रह्म है। सभी जीवों की नियति उनके जन्म मरण के निर्धारक भी हैं। मां ने जब सृष्टि के कार्यों का निर्धारण किया तो ब्रह्मदेव को जन्म, विष्णु देव को पालन और महादेव को संहार का दायित्व सौंपा। किंतु संहार के देवता होकर भी कोई महादेव से भयभीत नहीं होता, वरन हृदय से उन्हें अपना आराध्य मानता है, क्योंकि महादेव मात्र संहार ही नहीं वरन हर जीव के मर्म को समझते हैं। बिना कोई भेदभाव किए अपनी संतान मान उसकी कठिन से कठिन मनोकामना भी पूर्ण करने को तत्पर रहते हैं। मैं अल्पायु था और मेरी मृत्यु भी 16 वर्ष की आयु में होनी निश्चित थी, किंतु मेरे द्वारा की गई महादेव के पूजा के कारण ही यमराज भी मुझे अपने साथ ले जाने में असमर्थ रहे। भगवान शिव ने ही मुझे यमराज से रक्षित करके चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो उचित है, मैं वरदान देता हूँ कि आज के बाद मार्कंडे की आयु 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। इसलिए संपूर्ण सृष्टि और हम सभी इन्हीं से हैं। अच्छा, वहाँ शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं भी उनके साथ सम्मिलित होकर कोई योगदान करता हूँ। शिव अनंत हैं, ऐसे अनंत अमृत सरोवर हैं वो, जिनके कृपा रूपी अमृत का भंडार कभी क्षीण ही नहीं होता। उनके साकार रूप के प्रत्यक्ष दर्शन से तो हम कृतार्थ होते ही हैं, किंतु उनके जो निराकार स्वरूप हैं, वही सर्वत्र व्याप्त हैं। सृष्टि का आरंभ भी शिव है, अंत भी शिव ही है। सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनहार, संहारक सभी तो शिव हैं। शिव ही प्रणव अर्थात ओम है, जो समक्ष ब्रह्मांड में गूंजते हैं। शिव ही वो दिव्य नार हैं, जिसके कारण समक्ष ब्रह्मांड गुंजायमान है। शिव ही वो स्वर है जिनका हम श्रवण करते हैं, इसीलिए हम सब उन्हीं को भजते हैं। और उन्हीं दया निधान को भजने से एक दुष्ट चोर समस्त सृष्टि के धन का संरक्षक बन गया। चोर धन रक्षक बन गया, किंतु कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। गणेश जी, अपने प्रथम जन्म में मैं यागदत्त नामक एक ब्राह्मण था, जो उच्च कुल में जन्म लेने के उपरांत भी जुए तथा मादक पदार्थों के लत के कारण चौर्य कर्म करने लग गए। किंतु एक दिवस चोरी करते समय मुझे सैनिकों ने देख लिया और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु मैं रात्रि काल में एक निर्जन स्थान पर स्थित शिव मंदिर में जाकर छिप गया। कहाँ छिपूं? हाँ, यहाँ छिप जाता हूँ। अवश्य यही कहीं छिपा होगा वो चोर। ये सैनिक मुझे पकड़े ना पकड़े, यहाँ का ये भयानक घोर अंधकार ही मेरे मृत्यु का कारण बनेगा।
कुछ करना पड़ेगा, कुछ। अब तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि यदि वो सैनिक भी मुझे पकड़ ले तो भी मुझे दंड का कष्ट अधिक समय तक नहीं भोगना पड़े। मैं अधिक समय तक मैं कारागार में नहीं रहना चाहता। हे भोलेनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसे आशीर्वाद दे रहे हैं जिसने आपकी पूजा के लिए नहीं, मात्र अपनी रक्षा के लिए, अपना भय दूर करने के लिए तनिक प्रकाश उत्पन्न किया था। अज्ञानतावश ही सही, किंतु उसने मेरे मंदिर को प्रकाशित किया है और इसलिए मैं अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने के समान ही मानता हूँ। इसलिए मैं उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। बहुत भगाया तुमने हमें, किंतु अब तुम नहीं भाग सकोगे। अब तो तुम्हें मृत्युदंड प्राप्त होकर ही रहेगा। मृत्युदंड? नहीं, मृत्युदंड नहीं। तो क्या वास्तव में उस जन्म में आप मृत्युदंड के भागी बने कुबेर जी? जी गणेश जी, मुझे तो वही प्राप्त हुआ जिसकी मैंने इच्छा की थी। एक ऐसा दंड जिसका अंत भी शीघ्र हो और उसमें कष्ट भी क्षणिक हो। चलो, तुम्हारा यमलोक जाने का समय आ गया। यज्ञदत्त यमलोक नहीं जाएगा। हम यमदूत हैं, यमराज जी की आज्ञा अनुसार ही इन्हें लेकर जा रहे हैं। हम शिवगण हैं, हम प्रभु शिव शंकर की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भोले बाबा ने इन्हें पुनर्जन्म देने का निर्णय लिया है। ऐसे दया निधान है हमारे प्रभु शिव शंकर जी, जो एक दुराचारी को भी अज्ञानता में किए गए पुण्य का फल प्रदान करते हैं, जिसके फल स्वरूप मुझ जैसे निम्न कोटि के चोर को भी अपने अगले जन्म में कलिंग राज अरिंदम के पुत्र युवराज दंभ के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जन्म तो प्रभु के कृपा के कारण ही प्राप्त हुआ था, इसलिए इस जन्म में मेरा सारा रुझान सत्कर्मों की ओर ही था। मैं सदैव पूजा पाठ करता था, प्रतिदिन मैं शिव अभिषेक कर दीप को प्रज्वलित कर केवल उनकी आराधना करता था और उसी के फल स्वरूप जब मुझे उस जन्म से मुक्ति प्राप्त हुई तो मेरा जन्म ऋषि विशर्वा के पुत्र के रूप में हुआ और उस जन्म में प्रभु की कृपा से मुझे तप करने का सामर्थ्य भी प्राप्त हुआ। प्रभु के दर्शन हेतु मैंने अपना तप आरंभ किया। मेरे तप का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई वत्स। माता, मुझे दर्शन देने के लिए आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। वत्स, वरदान मांगो,
अपने कठोर तप के परिणाम स्वरूप क्या चाहते हो तुम? प्रभु, प्रभु मेरी तो एक ही इच्छा थी कि मुझे स्वयं आपके दर्शन प्राप्त हो, और आपने तो मुझे माता के साथ दर्शन देके धन्य कर दिया। प्रभु धन्य कर दिया। बस प्रभु, मेरे तप का तो यही फल था जो मुझे प्राप्त हो गया। ये तप तो तुमने स्वर्णिम रंग के धधकते लावे में खड़े होकर किया है, और स्वर्ण कर तो धन भी होता है। इसलिए वत्स कुबेर, मैं तुम्हें संसार के समस्त धन के संरक्षक बनने का वरदान देता हूँ। और इस प्रकार प्रभु की कृपा से मुझे अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त हुई, और मैं सृष्टि के समस्त धन का संरक्षक बन गया। किंतु इसके लिए आपने भी तो अत्यंत कठोर तप कर महादेव को प्रसन्न किया था कुबेर जी। गणेश जी, जो तप माता लक्ष्मी ने किया था उसके समक्ष मेरा तप तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने यज्ञ में आहुति के रूप में स्वयं अपने ही अंग को प्रस्तुत किया था। उससे भी बड़ी परीक्षा तो मेरे प्रभु श्री हरि नारायण ने दी थी, अपने कमल नयन को प्रभु को अर्पित कर। भ्राता श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी ने भक्ति का ऐसा अनूठा और श्रेष्ठ उदाहरण प्रकट किया है जिसे संसार कभी भूल नहीं सकेगा। किंतु मामा जी, यदि आपने पिताश्री को अपना नेत्र समर्पित कर दिया और मामी जी ने अपने अंग को अपने शरीर से विलग कर तप की अग्नि में उसकी आहुति दे दी, तो फिर आप दोनों ने अपना संपूर्ण रूप कैसे प्राप्त किया? ये सब तो प्रभु महादेव की ही लीला थी पुत्र गणेश, उन्हीं की कृपा से हमें पुनः पूर्णता भी प्राप्त हुई थी। मामी जी, पिताश्री महादेव की अद्भुत लीला और आप दोनों की अद्भुत त्याग की कथा विस्तार से कृपया सुनाइए ना। देवी लक्ष्मी, क्यों ना आप अपने तप की कथा सुनाकर गणेश की जिज्ञासा को शांत करें। अवश्य स्वामी, तभी तो पुत्र गणेश को ज्ञात होगा कि आपके कारण इतना कठोर तप क्यों किया था मैंने। मामा जी, श्री हरि नारायण के कारण। कदाचित मुझे ये कहना चाहिए कि उनके लिए तप कर रही थी मैं, क्योंकि एक बार वैकुंठ में जब मैं स्वामी की सेवा कर आनंदित हो रही थी, तभी स्वयं अपने नेत्र मूंदे किसी और ही आनंद में लीन थी। स्वामी, अपने नेत्र मूंदे किसका ध्यान कर रहे हैं आप? जिसका आनंद आपकी दिव्य मनोहर मुस्कुराहट बनकर प्रकट हो रहा है, उन्हीं के ध्यान में मेरे हृदय में जिनका वास है। समझी, आप तो मेरे ही ध्यान में डूबे हैं, आपके हृदय में तो मैं ही वास करती हूँ ना। जो मैंने आपसे कहा उसे अपनी प्रतिक्रिया देकर स्वीकार क्यों नहीं किया आपने? मेरा ही वास है ना आपके हृदय में। स्वामी, आप अब भी शांत हैं? आपका निरुत्तर होना मुझे विचलित कर रहा है। कहिए ना प्रभु कि मैं ही आपकी हृदयवासिनी हूँ। यदि आप स्वयं कुछ नहीं कहेंगे तो मुझे अपने हृदय में झांक कर देखने की अनुमति देनी होगी आपको। मैं भी तो देखूं, यदि वो मैं नहीं तो फिर कौन मेरे स्वामी के हृदय में स्थित है? महादेव,
जगत के पालनहार मामा जी श्री विष्णु जी के हृदय में मेरे पिता श्री जगत पिता महादेव वास करते हैं। केवल मेरे हृदय में नहीं गणेश, महादेव तो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। जिन्हें इस सत्य का बोध है वो इसे स्वीकार कर परम सुख का आनंद उठाते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें इस सत्य का ज्ञान तो है किंतु अपने अहंकार वश वो इसे नकार कर अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर ऐसे भी जीव हैं जो इस सत्य से अभी भी अनभिज्ञ हैं, उन्हें तो इस परम सत्य का ज्ञान होना अभी शेष। किंतु यदि आपके हृदय के एक भाग में पिताश्री का वास है तो अवश्य दूसरे भाग में मामी जी का ही वास होगा। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था पुत्र गणेश, किंतु मुझे विश्वास है स्वामी कि आपके हृदय की शेष भाग की स्वामिनी तो मैं ही होंगी। आपके हृदय में बसे महादेव के तो दर्शन हो गए, अब शेष भाग में भी देखने की आज्ञा दीजिए मुझे स्वामी। आपके हृदय के एक भाग में भगवान शिव और दूसरे भाग में समस्त संसार है, तो फिर वहाँ मेरा स्थान कहाँ है प्रभु? प्रिय, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णुवे, शिवश्च हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदय शिवम। जिस प्रकार महादेव के हृदय में मेरा वास है उसी प्रकार मेरे हृदय में महादेव का वास है, और जगत का पालनहार होने के नाते मेरी एक दृष्टि सदैव संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहती है। इसलिए मेरे हृदय के एक भाग में आपको महादेव और दूसरे भाग में संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है। किंतु मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों स्वामी? सहभागिनी हूं मैं आपकी, आपके हृदय में मेरा विशेष स्थान होना चाहिए। मैं इस अधिकार से वंचित क्यों हूँ स्वामी? मुझे अपने हृदय में स्थित होने का, अपनी हृदयवासिनी बनने का वरदान दीजिए स्वामी। प्रिय, यदि मैं ऐसा कर सकता तो अवश्य करता, किंतु ये वरदान तो केवल भोलेनाथ ही दे सकते हैं, क्योंकि मेरा यह हृदय तो सहस्त्र वर्षों से केवल महादेव की भक्ति में ही लीन है। मेरे इस हृदय पर मुझसे अधिक अधिकार तो महादेव का है। मामा जी ने आपकी विनती स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त कर दी, फिर क्या हुआ मामी जी? फिर क्या था, स्वामी के मुख से इन वचनों का श्रवण करते ही स्वामी के हृदय में स्वयं को स्थापित करने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए मैं कैलाश की तराई में स्थित एक भव्य मंदिर में तप करने चली गई कि महादेव को प्रसन्न कर सकूं और उनसे ये वरदान प्राप्त कर सकूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मैं इसी प्रकार तपस्या करती रही, दिवस माह और ऋतुएं बीतते चले गए, किंतु मैं उसी प्रकार अन्न जल निद्रा का त्याग कर निरंतर महादेव की कठोर तपस्या करती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर क्या हुआ माता? उनकी तपस्या कठोर अवश्य थी, किंतु देवी लक्ष्मी अपने दृढ़ संकल्प पर स्थिर रही और सहस्त्र वर्षों तक अनेकों कष्ट सहकर अपनी तपस्या में लीन रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवी, महादेव के दर्शन हेतु महादान की आवश्यकता है, अंग समर्पित करने की आवश्यकता है।
और फिर देवी लक्ष्मी के त्याग से और कठोर तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और महादेव के प्रकट होते ही महादेव की कृपा से देवी लक्ष्मी के शरीर में पूर्व के समान पुनः पूर्णता प्राप्त की। महादेव, हे प्रभु, हे महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। देवी लक्ष्मी, मैं आपके अत्यंत कठोर तप से मैं अति प्रसन्न हुआ। कहिए मुझसे क्या वरदान चाहती हैं आप? प्रभु, कोई भी पत्नी से अतिरिक्त तो क्या चाहेगी कि उसके पति के हृदय में उसका वास उसी प्रकार हो जिस प्रकार उसके स्वयं के हृदय में उसके पति का स्थान होता। किंतु महादेव, जब आप दोनों ही एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं तो मेरे स्वामी के हृदय में मेरे लिए स्थान कहाँ? इसीलिए प्रभु, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं मेरे स्वामी की हृदय वासिनी बन सकूं और उनके हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त कर सकूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जिस प्रकार आपके हृदय में श्री हरि का वास है, उसी प्रकार मुझसे भी पूर्व उनके हृदय में आपका ही स्थान होगा। उनके हृदय में आपका ही स्थान होगा। उनके हृदय में आपका ही स्थान होगा। और इसीलिए संसार में आपका एक और नाम प्रचलित होगा, विष्णु बक्षु विभूषणी, विष्णु बक्षु विभूषणी, अर्थात जो प्रभु विष्णु के वक्ष की आभूषण है, जो उनके हृदय में ही वास करती है। मुझे ये वरदान देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। और आज मैं भी ये घोषणा करती हूँ, जो भी ओम विष्णु बक्षो विभूषणी मंत्र का जाप करेगा उसके गृह में सदा मेरा वास होगा। किंतु प्रभु, मेरी एक चिंता अभी भी शेष है कि आपको प्रसन्न करने हेतु मैंने तो अपना अंग समर्पित कर तप संपन्न कर लिया था, किंतु कली काल में मनुष्यों पर कली का ही प्रभाव होगा। वो मोह माया से ग्रस्त आत्म प्रेम में मुग्ध रहेंगे, तो आपको प्रसन्न करने हेतु वो अंग समर्पित कैसे करेंगे प्रभु? इसीलिए प्रभु, कलयुग में भी आपके भक्त आपको प्रसन्न कर सके, इसका कोई सरल मार्ग सुझाइए। देवी लक्ष्मी, इस यज्ञ अग्नि में दी हुई आपकी आहुति कदापि व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके सर्वोच्च त्याग का सफल संसार को अवश्य प्राप्त होगा। यज्ञ अग्नि में जो अंग आपने अर्पित किया, उससे उत्पन्न वृक्ष वेल वृक्ष कहलाएगा, जो मनुष्य के अत्यंत गुणकारी होने के साथ साथ पांच प्रमुख लक्ष्मी स्थानों में से एक होगा। और इस वृक्ष के तीन पत्रों में ऐसा अद्भुत जुड़ाव होगा जिसे संसार को त्रिदेवों के एक होने का संदेश प्राप्त होगा। और जो भक्ति भाव से ये बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएगा, बिना कुछ कहे उसकी सभी मनोकामनाएं समस्त पूर्ण होंगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और इस प्रकार प्रभु महादेव ने मुझे मेरे स्वामी की हृदयवासिनी बनने का सौभाग्य तो प्रदान किया ही, किंतु उसके साथ शिव हृदय को प्रसन्न और प्रभावित करने के लिए जगत को ये बेलपत्र भी प्रदान किया। अर्थात पिताश्री ने जगत को उन्हें प्रसन्न करने का सरल उपाय दे दिया। उपाय सरल अवश्य है, किंतु इस सरल उपाय को करने के लिए
भक्त के मन में सरलता का होना आवश्यक है, अन्यथा महादेव की परीक्षा इतनी सरल कैसे हो सकती है। एक ऐसी ही परीक्षा मुझे भी देनी पड़ी थी, श्रद्धा धैर्य और निष्ठा की परीक्षा। कैसी परीक्षा मामा जी? क्या इसी परीक्षा हेतु आपको अपना कमल नयन दान में देना पड़ा था? मुझे बताइए ना मामा जी, क्या हुआ था? इतने सारे प्रश्न, तुम चिंता ना करो गणेश, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा और तुम्हारी इस प्रबल जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा। इस प्रसंग का आरंभ दो भयंकर दुष्ट असुर भ्राताओं से हुआ, जो असुर सम्राट विपरचित के पुत्र थे। उन असुर भ्राताओं में एक का नाम था दुर्दान्त और दूसरा था जरांत। इतनी अपार शक्ति के स्वामी थे दोनों कि वो अपनी संयुक्त शक्ति से बड़ी सेना को पराजित कर सकते थे। दोनों असुर गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त की गई एक अष्टवक्रीय दिव्य हीरे की असुरी शक्ति से स्वर्ग पर विजय भी प्राप्त कर लिया, परंतु अब इस महासंकट को कोई हर सकता था तो वो थे स्वयं महादेव। मामा जी, आपने भी तो पिताश्री महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपना अंग दान किया था, कृपया आप हमें वो कथा सुनाइए ना। इस प्रसंग का आरंभ दो भयंकर दुष्ट असुर भ्राताओं से हुआ, जो असुर सम्राट विपरचित के पुत्र थे। उन असुर भ्राताओं में एक का नाम था दुर्दान्त और दूसरा था जरांत। इतनी अपार शक्ति के स्वामी थे दोनों कि वो अपनी संयुक्त शक्ति से बड़ी सेना को पराजित कर सकते थे, और उन दोनों के एक साथ आने से न केवल उन दोनों की अपितु उनके शस्त्रों की भी शक्ति बढ़ जाती थी। और उन दोनों की एक ही लालसा थी, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, और उनकी इस लालसा में उनके सहायक बने असुर गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए जो हमें चाहिए क्या वो आपके पास है? यदि नहीं तो हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव, क्योंकि समय व्यर्थ गवाना हमें तनिक भी नहीं भाता। जो उपहार मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसके बिना ही स्वर्ग पर आक्रमण करोगे तो व्यर्थ ही अपना समय गवाओगे। अच्छा, तो हमें शीघ्र ही बताइए क्या है वो। बताइए बताइए, वो क्या है जिसको पाने के बाद हम स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? इस हीरे के ये दो भाग तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा हूं मैं। ये कैसा परिहास कर रहे हैं गुरुदेव? हीरा वो भी दो भागों में विभाजित ये दे रहे हैं आप हमें? इसका हमें क्या लाभ? गुरुदेव शायद आप भूल रहे हैं, हम असुर हैं, असुर देवता नहीं। रक्त का लाल रंग ही हमें भाता है, वही बनता है हमारा आभूषण। ये हीरे और मोती नहीं। मूर्ख, ये आभूषण नहीं, वो अचूक उपाय है जिसकी सहायता से तुम देवताओं को पराजित कर सकोगे। ये वो स्थान है जिसमें तुम्हारी संपूर्ण सेना सुरक्षित रहेगी। ये वो छल है जिसे देवता कभी भेद नहीं सकेंगे। जो तुम्हें साधारण हीरे के दो टुकड़े प्रतीत हो रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ जुड़ाव होते ही वो एक मायावी अभेद्य दुर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे।
अष्टकोणीय दुर्ग देवताओं पर 8 गुना प्रहार करेगा। ये तुम्हारी विजय हेतु, ये तुम्हारी अजय शक्ति बनेगी। वाह गुरुदेव वाह, ये छल तो अति उत्तम छल है। किंतु गुरुदेव, देवता भी तो अनेक प्रभावशाली शक्तियों के स्वामी हैं, तो क्या वो इसे नष्ट नहीं कर सकेंगे? कोई नष्ट नहीं कर सकता इसे, ना कोई देवता ना कोई महादेवता। ये एक अद्वितीय शक्ति है। ऐसे ही अस्त्र की प्रतीक्षा थी हमें गुरुदेव। अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त भ्राता, अब विलंब कैसा? चलो अब देवताओं को स्वर्ग से बाहर धकेलने का समय आ गया है। और देवताओं को उन पर आने वाले संकट का तनिक भी आभास नहीं था। स्वस्ति न इंद्रो ऋतश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि। ये ध्वनि कैसी है? कहीं कोई असुरी शक्ति तो नहीं है जो हमारा यज्ञ भंग करने हेतु यहाँ आई है? ये हीरे के आकार का अष्टकोणीय विचित्र भवन कहीं हमारे लिए संकट तो नहीं उत्पन्न करने वाला? किंतु इसका स्वामी कौन है और इसका प्रयोजन क्या है? इसने तो हमारी यज्ञ विधि को ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सावधान देवगण, हम देवताओं पर किसी असुर का आक्रमण है। ये कैसा मायावी भवन है, कौन है ये असुर? ओ, प्रतीत हो रहा है कि हमने आपके कार्य में विघ्न डाल दिया। किंतु क्या करें, हम असुरों का तो यही कर्तव्य है। तुम देवताओं के कार्य में विघ्न उत्पन्न करना। इस अष्टकोणीय भवन में कहां स्थित है ये असुर? स्वर्गलोक के वासियों सुनो, आज यहाँ नवीन शासकों का आगमन हुआ है और तुम सब का हित इसी में है कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम सब का सर्वनाश होगा। दुष्ट असुर, हमें आतंकित करने का प्रयास मत करो। ना 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 ना, दुष्ट असुर नहीं, स्वर्गाधिपति पुकारो हमें, स्वर्गाधिपति दुर्दांतक। क्या हुआ, चौंक गए? प्रातः दुर्दांतक की घोषणा शीघ्र ही सत्य होगी। भ्रम है ये तुम्हारा, तुम्हारे स्वप्न में ही सत्य हो सकती है तुम्हारी ये घोषणा। जिस प्रकार तुम यहां आए हो उसी प्रकार उल्टे पांव यहां से लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारे असुरों की जो चीत्कार तुमने सुनी है वही चीत्कार तुम्हारे मुख से भी निकलेगी। देवराज, तनिक ये तो देख लो कि ये चीत्कार किसकी है। दुष्टासुर,
तुम्हारी इस माया का उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें। अग्निदेव की अग्नि 8 भागों में विभाजित होकर हम पर प्रहार करने के लिए लौट रही है। वरुण देव, इस अग्नि प्रहार को रोकने के लिए आप मेरी सहायता करें। अवश्य वायुदेव, हमारी सम्मिलित शक्ति ही से रोक सकती है। आप आराम कीजिए। कैसी अष्टकोणीय आकृति है ये, जिसके कारण मेरा वार असुरों के स्थान पर देवताओं को ही कष्ट पहुंचाने लौट पड़ा। चिंता मत कीजिए देवगण, मैं अभी अपने वज्र की शक्ति से इस अष्टकोणीय दुर्ग भवन को ही नष्ट कर देता हूं। ये क्या, इंद्रदेव की वज्र शक्ति तो कई गुणित ऊर्जा के साथ सृष्टि को ही क्षति पहुंचा रही है। देवराज, ये भवन तो आपके वज्र के प्रहार से भी नष्ट नहीं हुआ, इसने हमें और संकट में डाल दिया। आप उचित कह रहे हैं वायुदेव, इस प्रकार तो मेरी ये वज्र की शक्ति लौट कर समस्त सृष्टि का ही विनाश कर देगी। अब हम कैसे रोकें? मैं स्वयं पर इसका आघात लेकर रोक दूंगा इस शक्ति को और सृष्टि की रक्षा करूंगा। सूर्यदेव ने देवराज की लौटती शक्ति को रोक तो लिया, किंतु उसके लिए उन्हें अपार कष्ट हो रहा होगा। सूर्यदेव, संभालिए अपने आप को। देवताओं सुनो, ध्यान से सुनो। जितने क्षति तुम हमें पहुंचाने का प्रयास करोगे, उससे 8 गुना क्षति तुमको स्वयं पहुंचेगी। फिर तो हमें तनिक कोई भी श्रम करने की आवश्यकता नहीं है भ्राता दुर्दांत, क्योंकि ये देवता तो स्वयं अपना विनाश सुनिश्चित करेंगे। हम पर वार करेंगे और स्वयं ही आहत हो जाएंगे। इसके पूर्व कि तुम और दंडिता करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस भवन को, जिसका तुम इतना दंभ कर रहे हो, अपनी वायु प्रवाह से कहीं दूर भेज दूंगा। जाओ देवताओं, जाओ, और कभी यहां दोबारा आने का दुस्साहस मत करना। स्वर्ग पर अब हमारा अधिकार है, हम ही हैं यहाँ के अधिपति, स्वर्गाधिपति दुर्दांतक और स्वर्गाधिपति जरांतक। अर्थात उन दोनों दुष्ट असुर भ्राताओं को अपनी सेना का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं हुई और उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। हाँ गणेश, दुर्भाग्यवश उस युद्ध में वो दोनों भ्राता सफल रहे, किंतु अभी और भी अधिक भीषण युद्ध शेष था। उनकी दुर्ग की शक्ति से निसहाय होकर हम प्रभु श्रीहरि नारायण के समक्ष प्रस्तुत हुए। उन्हें अपनी
अपनी दुर्दशा की सूचना देकर उनसे सहायता प्राप्त करने हेतु, अर्थात जरांतक और दुर्दांतक को परास्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम उनके हीरे के अष्टकोणीय दुर्ग को नष्ट करना होगा। भ्राता दुर्दांतक, अब हम मात्र असुर जरांतक और असुर दुर्दांतक के नाम से नहीं, स्वर्गाधिपति जरांतक और स्वर्गाधिपति दुर्दांतक के नाम से विख्यात होंगे। और शीघ्र ही मात्र स्वर्ग लोक के ही नहीं, हम तीनों लोकों के अधिपति होंगे और अपने इस अभेद्य दुर्ग में स्थित होकर हम और हमारी सेना विजय के लिए तत्पर है। अब चाहे कोई भी देवी देवता हमसे युद्ध करने के लिए आ जाए, हमें रोकने में समर्थ नहीं होगा। भ्राता जरांतक, ये मुझे कैसी वायु प्रभा का आभास हो रहा है? विष्णुदेव, वो यहाँ आ पहुंचे। प्रतीत होता है भीरु देवता इनसे शरण मांगने पहुंच गए। ऐसे स्वयं अपना युद्ध नहीं कर सकते, ऐसे दुर्बल ऐसे निर्लज्ज देवता स्वर्ग में वास करते हैं, ये तो हमें ज्ञात ही नहीं था। देवताओं की अच्छाई को उनकी दुर्बलता समझने की भूल मत करना दुष्टों। देवता तो हमारे सामने नहीं टिक सके, किंतु तुम क्या सोचते हो भ्राता? स्वर्गाधिराज जरांतक, क्या इन विष्णु में इतनी सामर्थ्य है कि हमसे युद्ध कर सके? ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा। कितने उत्तंड हैं ये दुष्ट, जो सृष्टि के पालनहारे प्रभु श्री हरि नारायण के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रभु के लिए कहे गए इन अपमानजनक शब्दों के लिए इन दुष्ट असुरों को सर्वप्रथम मैं ही दंडित करूंगा। अपने पंजों के प्रहार से नष्ट कर दूंगा इस हीरे के भवन को मैं। ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? इतना अथक प्रयासों के पश्चात भी गरुड़ जी उस अष्टकोणीय दुर्ग को क्षति पहुंचाने में असफल हो रहे हैं। शांत हो जाइए गरुड़ जी, उत्तेजित होने का कोई लाभ नहीं। यदि हम इस दुर्ग को नष्ट नहीं कर सकते तो सृष्टि के बाहर अनंत अंधकार में अवश्य धकेल सकते हैं। आप इस दुर्ग के चारों ओर उड़ान भरिए। अष्टकोणीय दुर्ग के चारों ओर श्री हरि नारायण ने जो गति उत्पन्न की है, अब वही गति दुर्ग को अंधकूप की ओर धकेल रही है। ये विष्णु देव हमारे दुर्ग के चारों ओर उड़ान क्यों भर रहे हैं? हमारे समक्ष आकर हमसे युद्ध क्यों नहीं करते? ये क्या कर रहे हैं? ये तो हमें भी संकट में डाल रहे हैं। हमारा दुर्ग तीव्र गति से घूम रहा है। Oh!
प्रभु श्री हरि नारायण ने इन दुष्टों को वहां भेज दिया जो इनका उचित स्थान है। ब्रह्मांड के सिरे पर अंधकूप के समान अंधकार का जहां विस्तार होता है वहां भेज दिया है प्रभु ने उन्हें। वहां जो भी प्रवेश करता है वो उसके अनंत अंधकार में सदा के लिए लुप्त हो जाता है। अब इन दुष्ट असुरों का भी यही परिणाम होगा। आज ये दो दुष्ट ही नहीं, इनके साथ इनकी पूरी सेना भी उस अंधकारी कूप के अनंत अंधकार में जाकर नष्ट होगी। अंधकूप भी उस दुर्ग को कोई हानि नहीं पहुंचा सका और अब तो इसकी गति और भी तीव्र है। आपका प्रहार तो विफल हुआ विष्णुदेव। अब आप हमारा प्रहार सहन कीजिए। सावधान प्रभु। स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। जिस प्रकार मैंने तुम्हारे इस अस्त्र को नष्ट किया उसी प्रकार तुम्हारे दुर्ग को भी नष्ट करूंगा। अब इन दुष्टों का अंत अवश्य होगा क्योंकि प्रभु श्री हरि नारायण का चक्र प्रहार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो अंततः वो आसुरी दुर्ग उस विध्वंस से नष्ट भ्रष्ट हो गया होगा। जी, ब्रह्मांड के समस्त अस्त्रों में श्रेष्ठतम है आपका वो नारायण चक्र जो अत्यंत शक्तिशाली था, जो क्षण भर में शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम था, जिसको क्षति पहुंचाना असंभव के समान था, वो भी उन अस्त्रों के हीरे के दुर्ग के साथ टकराकर खंडित खंडित हो गया। हाँ पुत्र, कभी कभी किसी के वरदान और आशीष से प्राप्त अस्त्र असंभव को भी संभव बना देते हैं और शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों को भी नष्ट करने में सक्षम होते हैं। किंतु फिर उन दुष्टों का सामना करने के लिए क्या उपाय शेष था आपके पास मामा जी? जब शत्रु पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय न दिखाई दे तो योद्धा का दायित्व होता है कि वह शत्रु के आघात से अपने सहयोगियों की सुरक्षा करे, और उस परिस्थिति में मैंने भी यही किया।
विष्णु से सहायता की कोई आस मत रखो, क्योंकि वो तो स्वयं एक पराजित योद्धा है। तुम्हारे त्रिदेवों में से एक देव विष्णु देव निम्न और तुच्छ प्रमाणित हो गए हैं। हे प्रभु, हे सृष्टि के पालनहारे, विश्वाकारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरदध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अरे ये विष्णुदेव इतना विकराल रूप धारण क्यों कर रहे हैं? हाँ भ्राता, इनका ये स्वरूप तो हमारे असुर सैनिकों के साथ मुझे भी भयभीत कर रहा है। कदाचित हमें दुर्ग के भीतर जाकर स्वयं को सुरक्षित करना चाहिए। कदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं। विष्णुदेव हो जाइए क्रोधित, कर लीजिए आप अपना विकराल रूप धारण, लेकिन आप हमारे इस अभेद्य दुर्गों को ना ही भेद सकेंगे और ना ही कोई क्षति पहुंचा सकेंगे। बस बहुत हो गई तुम्हारी उदंडता। ब्राता, कहीं इनकी मुष्टि में बिछकर हमारा ये हीरे का दुर्ग कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए। कहा था ना मैंने, आप हमारे इस दुर्ग को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। Oh.
अब श्री हरि नारायण के महाक्रोध के समक्ष वह अष्टकोणीय तुर्क कदापि नहीं टिक पाएगा। प्रभु श्री हरि नारायण, अपने क्रोध को त्याग दीजिए, शांत हो जाइए। प्रभु शांत हो जाइए। नहीं ब्रह्मदेव, जब तक मैं इस दुर्ग को नष्ट नहीं कर दूंगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। प्रभु आपके ये क्रोध की अति आपको शोभा नहीं देती। सृष्टि के पालनहार के क्रोध से कहीं सृष्टि पर ही विनाशकारी आघात ना हो जाए, कहीं पृथ्वी संकट में ना आ जाए। ये क्या हो रहा है? हमें हमारे तुर्क के साथ यहाँ फेंक दिया विष्णु देव ने। सृष्टि के पालनहार के क्रोध से कहीं सृष्टि पर ही विनाशकारी आघात ना हो जाए, कहीं पृथ्वी संकट में ना आ जाए। अष्टकोणीय हीरे का दुर्ग इस प्रकार खंडित नहीं होगा। इसका सर्वनाश करने हेतु तो इसका कोई अन्य उपाय ही ढूंढना होगा। समाधान तो मेरे समक्ष है ब्रह्मदेव। ये समाधान था धर्म की जय का और दुष्टों के संहार का। सर्वत्र विनाश मचाने वाले असुर भ्राता जरांतक और दुर्दांतक से मेरा एक महासंघर्ष होने के पश्चात भी जब उन्हें रोक पाने में मेरे सारे उपाय विफल हो गए, तो उस समय संकट की उस घड़ी में मेरे समक्ष बस एक ही उपाय शेष रहा। समाधान तो मेरे समक्ष है ब्रह्मदेव। प्रभु भोलेनाथ, जो अपनों के रक्षक और दुष्टों के संहारक है, जो देवेश्वर है, जगत पिता है, जिनकी लीला अनंत है, जो सर्वव्यापी सर्वज्ञाता है, जो मेरे जगत के पालन करता के आराध्य है, आज जब वो स्वयं मेरे समक्ष है, तो मैं उनकी कृपा से वो अजय अस्त्र प्राप्त करूंगा, जिससे उस अजय प्रतीत होने वाले दुर्ग को नष्ट कर उन दोनों दुष्ट असुर भ्राताओं का नाश करूंगा। और सृष्टि और देवताओं को उन दोनों के आतंक से मुक्त करवाऊंगा। ये तो सृष्टि का विधान है कि भक्त अपने भगवान की ओर खींचा चला आता है, किंतु यहां तो स्वयं भगवान अपने भक्त का कष्ट हरने चले आए। हे कृपा निधान, हे दया सागर प्रभु शिव शंकर, आपका ये भक्त आपकी शरण में। मैं नारायण ये संकल्प लेता हूँ कि मैं तत्काल 1000 अष्ट नील कमल एकत्रित करूंगा और प्रभु भोलेनाथ के 1000 अष्ट नाम का जाप करूंगा। अपने आराध्य प्रभु महादेव की ये पूजा मैं स्वयं करूंगा और इस स्थान से तब तक नहीं हटूंगा जब तक ये पूजा संपन्न नहीं हो जाती। शिव सहस्त्र नाम? हाँ पुत्र, महादेव के 1000 अष्ट नाम है।
और प्रत्येक नाम की एक अनूठी दिव्यता है। इसलिए मैंने विलंब किए बिना बेलपत्र एक सहस्त्र अष्ट नील कमल एकत्रित कर शिवलिंग की पूजा आरंभ की। ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश। हे प्रभु महादेव, कृपा कर मेरे द्वारा किए जाने वाले आपके सहस्त्र नाम जाप को स्वीकार कीजिए। ओम स्त्राये नमः। ओम स्त्राये नमः। ओम स्त्राये नमः। ओम स्त्राये नमः। नाथ नाथ भ्राता श्री हरि नारायण ने आपकी आराधना आरंभ कर दी है। ओम स्थानवे नमः वे नमः। ओम प्रभावे नमः। ओम प्रवराये नमः। जब मैं महादेव के एक सहस्त्र अष्ट नाम का जाप कर रहा था तब वो दोनों असुर वहां शांत नहीं बैठे थे। नवीन योजनाओं का निर्माण कर रहे थे। देख रहे हो भ्राता दुर्दांता, विष्णु देव का ये कृत्य है। कैसी दुर्दशा की है उन्होंने हमारे असुर सैनिकों की और हमारी। भ्राता, अपनी संपूर्ण शक्तियों के प्रयोग करने पर भी वो हमारे इस दुर्ग को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए, परंतु हमारे दुर्ग के टकराव से उन्हें क्षति अवश्य पहुंचेगी। सुरक्षित नहीं रह पाएंगे विष्णुदेव। अब हमारा ये दुर्ग वज्र बनकर आपके ऊपर घातक प्रहार करेगा। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशि शेखरः शिपिविष्टो अंबिकानाथ श्रीकंठो भक्तवत्सलः। ओम विमुक्ताय नमः। ओम मुक्त तेजस्य नमः। ये क्या कर रहे हैं ना? ओम श्रीमते नमः। ओम श्री वर्धनाय नमः। स्वामी, आपके सहस्त्र नाम जाप को पूर्ण करने के लिए तो एक सहस्त्र आठ पुष्पों का समर्पित करना अनिवार्य है। फिर आप इस एक कमल पुष्प को वहां से हटाकर उनकी पूजा क्यों खंडित करना चाहते हैं नाथ? पूजा खंडित करने के लिए नहीं प्रिय, भक्त की परीक्षा के लिए। परीक्षा? परीक्षा स्वामी? जगत के पालनहार श्री हरि नारायण, जो ना आपसे भिन्न है और ना मुझसे, जो आपके हृदय में वास करते हैं नाथ, उनकी कैसी परीक्षा? भक्त की भक्ति तो तभी फलित होती है देवी, जब वो श्रद्धा, धैर्य
और समर्पण भाव से भक्ति करता है, उसी की परीक्षा है ये। एक पुष्प और शेष होना चाहिए था, कहां गया वो? किंतु पूजा आरंभ करने के पूर्व मैंने स्वयं उचित संख्या में पुष्प एकत्रित किए थे, कहीं मुझसे ही तो कोई त्रुटि नहीं हुई। अब मैं कैसे महादेव की एक सहस्त्र राष्ट्र नाम जाप की पूजा को संपन्न करूंगा? ऐसा क्या दोष हो गया मुझसे कि मेरी पूजा में विघ्न आ गया? यदि आज मैं अपने आराध्य की, अपने महादेव की इस पूजा को संपन्न नहीं कर सका तो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, तो ये मेरी सबसे बड़ी विफलता हो। तो क्या मेरी भक्ति, मेरी निष्ठा, मेरे विश्वास, मेरे भक्ति भाव में ही कोई अपूर्णता थी? क्या यही कारण है मेरी पूजा अपूर्ण रह जाने का? महादेव तो अपने सभी भक्तों की सहज पूजा को भी स्वीकार करते हैं, वो मेरी पूजा को कभी खंडित नहीं होने देते। अवश्य इस पूजा में मुझसे ही कोई बड़ी चूक हुई है। महादेव, मैं तो सदैव आपका ही ध्यान करता हूं, सदैव आपको ही पूजता हूं। मेरे हृदय में आप वास करते हैं और आपके हृदय में मैं वास करता हूं, फिर आपके सहस्त्र नाम जाप में मुझसे भूल कैसे हो गई, अधूरी कैसे रह गई मेरी पूजा? विष्णु देव, हमारा आक्रमण सहने के लिए तैयार रहिए आप। मेरे आराध्य, मेरे महादेव की इस पूजा को मैं कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। ये पूजा अवश्य पूर्ण होगी, और इसके लिए मुझे क्या करना है मुझे ज्ञात है। आप मुझे कमल नयन के नाम से संबोधित करते हैं ना महादेव, तो मैं नील कमल के स्थान पर मैं आपको अपना कमल नयन अर्पित करता हूं। मैं आपको अपना कमल नयन अर्पित करता हूं। कमल पुष्प के स्थान पर मेरा ये नेत्र स्वीकार कीजिए प्रभु। प्रभु, हे प्रभु, हे मेरा राध्य, मेरी पूजा के फल स्वरूप आपने मुझे अपने दिव्य दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु। नहीं श्री हरि नारायण, आपके इस परम त्याग का साक्षी बन धन्य तो मैं हुआ हूँ। नहीं प्रभु, मैंने कोई त्याग किया ही कहाँ है, मेरी तो पूजा भी अधूरी रह गई, क्योंकि कमल पुष्प के स्थान पर आपने मेरा नेत्र स्वीकार ही कहाँ किया। आप मुझे कुछ अर्पित करें और मैं उसे अस्वीकार कर दूं, ये कहाँ संभव है? और वैसे भी आपको अपना नेत्र मुझे समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप
आपकी पूजा का अंतिम पुष्प मैंने स्वयं उठा लिया था। जगत के समक्ष भक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही ये लीला मैंने रची थी। प्रभु श्री हरि नारायण, आपने तो आज निष्ठा और समर्पण भाव का एक परम उदाहरण प्रस्तुत कर मुझे अपना और भी बड़ा भक्त बना लिया, और मैं भी आपकी भक्ति के सुख से वंचित नहीं रहूंगा। मैं वचन देता हूँ कि जिस प्रकार आपने मेरे प्रति ऐसी अद्भुत अटूट भक्ति का परिचय दिया, वैसे ही भविष्य में जब आप पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे तो मैं भी आपकी ऐसी ही निस्वार्थ भक्ति करूंगा। और मैं ये घोषणा करता हूं, जिस प्रकार निष्ठा श्रद्धा और समर्पण भाव से आपने मेरे सहस्र नामों का जाप किया है, आज के बाद उन नामों का जो भी जाप निष्ठा और समर्पण भाव से करेगा वो भी अपनी समस्त समस्याओं से मुक्ति पाएगा, और आपकी पूजा को फलित करने हेतु मैं आपको भी आपकी समस्या का समाधान भी प्रदान करता हूँ। आप इस सुदर्शन चक्र को स्वीकार कीजिए नारायण। ये वो अस्त्र है जो कुछ भी भेदने में सक्षम है। आपके इस चक्र के समक्ष कोई नहीं टिक सकेगा, और जो भी इसकी शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस करेगा उसका सर्वनाश निश्चित ही होगा। हमारे हीरे का यह दुर्ग विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? एक और चक्र। इस चक्र से भी हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे आप। इस चक्र ने हमारे दुर्ग को मध्य में क्यों स्थित कर दिया है? और अब ये इतने तीव्र वेग से क्यों चलायमान हो गया? प्रातः कहीं इससे हमें कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा? हमारे असुर सैनिक और हम दोनों इस दुर्ग में हैं। हम अपनी सुरक्षा कैसे करें प्रातः? चिंता मत करो प्रातः, हमारा दुर्ग अभेद है, अजय है, उसे कोई क्षति नहीं होगी। हमारा दुर्ग खंडित हो रहा है भ्राता, ये कैसे संभव है? आ, 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 आ,
यह उस अजय शक्ति का परिणाम है जो मैंने शिव भक्ति से प्राप्त की है। मैंने तुम्हारे छिपने का अंतिम स्थान भी नष्ट कर दिया है। अपनी अंतिम श्वास गिनना आरंभ कर दो दुष्टों। उचित सर्वथा उचित है, अब होगा संहार इन दोनों दुष्टों का। जो धर्म का विरोध करते, जो अन्याय करते, अपने अहंकार अपने स्वार्थ के लिए, अपने अधर्म अपनी दुष्टता की सत्ता स्थापित करने के लिए जो दुराचार करते हैं, उनका भयंकर अंत ही उनकी नियति बनता है। प्रभु श्री हरि नारायण की जय। 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 नहीं देवगण, जय जयकार मेरी नहीं अपितु महादेव की कीजिए, जिनके कारण ये संभव हुआ है। इन राक्षसों के वध का और सृष्टि की सुरक्षा का श्रेय मुझे नहीं महादेव को जाता है। इसलिए आप सभी महादेव की जय जयकार कीजिए। प्रभु महादेव की जय। देवेश्वर प्रभु शंकर शिव शंभु महादेव की जय। महादेव द्वारा प्रदान किए गए सुदर्शन चक्र से उनके हीरे के अष्टकोणीय दुर्ग के साथ साथ उन दोनों असुरों का और उनकी समस्त सेना का विनाश हुआ। इस अद्भुत कथा का श्रवण कर मैं तो धन्य हुआ मामा जी, किंतु मेरा एक प्रश्न अभी भी शेष है। हाँ पुत्र, कहो क्या प्रश्न है? मामा जी, पिताश्री ने आपको एक और वचन भी दिया था कि वो आपके भावी अवतार की भक्ति करेंगे, किंतु उसका क्या अर्थ है मामा जी? जब जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता है, मैं अच्छाई को पुनः स्थापित करने हेतु अवतार धारण करता हूँ और शीघ्र ही मैं राम अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, क्योंकि वहां असुर राज लंकाधिपति दशानन के पाप सभी सीमाएं लांघ जाएंगे। जटाटवी कलज्वर प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितां जंग तुंग मालिकां डमट 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 मन्निनाश पट्ट पर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः अश्वं जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ति। किसी ने महादेव के निवास कैलाश की परिक्रमा नहीं की तो क्या किया जीवन में? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उस असुर के विनाश हेतु मेरे रामावतार में मेरे सहायक बन महादेव भी मेरे भक्त के रूप में अवतरित होंगे। अनंत अपार है महादेव की लीला। वो भक्त बनकर सेवा के लिए प्रस्तुत भी होते हैं तो भगवान के रूप में वरदान भी देते हैं। माता लक्ष्मी जी, कुबेर जी, ऋषि मार्कंडेय जी, सभी को कृपा निधान महादेव ने अपनी कृपा से कृतार्थ किया है।
मेरे पिताश्री की महानता और उनकी महिमा तो अपरंपार है। किसी भी रूप में उनकी उपस्थिति की परिक्रमा करने से उनसे निकलने वाले तेज की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय। 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 जटाटवी कलज्वर प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टवर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवशिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम् मम। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंदार पुष्प ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। पुत्र, आज तुमने यहाँ भक्ति का ऐसा अपूर्व वातावरण उत्पन्न कर मुझे मेरे जन्म दिवस का अमूल्य उपहार प्रदान किया है। ऐसा उत्तम उपहार जिसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। माँ, आज का दिवस तो मेरे लिए भी ज्ञान प्रद और भक्ति से परिपूर्ण रहा। पिताश्री की लीलाओं की गाथा का श्रवण कर मैं धन्य हो गया माँ। पुत्र, अभी तो तुम्हें स्वामी की लीलाओं का आंशिक ज्ञान ही प्राप्त हुआ है। उनके भिन्न अवतारों से तुम अभी भी अनभिग्न हो पुत्र। पिताश्री के अवतार माँ? पुत्र, तुमने मेरी 10 महाविद्या रूपों की कथा का श्रवण किया। मेरे 9 दुर्गा अवतारों से भी परिचित हो तुम। पुत्र, किंतु क्या तुम्हें ज्ञात है कि संसार के उद्धार के लिए स्वामी ने भी 19 अवतार धारण किए थे। पिताश्री ने 19 अवतार धारण किए थे माँ? तो कृपया विस्तार से मुझे उन रूपों का ज्ञान दीजिए ना माँ। महादेव। महादेव। हाँ? अवश्य महादेव का कोई अनन्य भक्त होगा ये। महादेव शिव शंभू की जय। महादेव शिव शंभू की जय। देव शिव शंभू की जय। किंतु ये कौन भक्त होगा पिताश्री का
गणेश जी, ये जो भी है मैं अभी जाकर उसका आशय ज्ञात करता हूं। यदि ये पिताश्री का कोई महाभक्त है तो इसके आगमन से ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे, जैसे यहाँ कैलाश की ओर बढ़ते ही किसी संकट की पूर्व सूचना हो। अनुज गणेश, तुम चिंता मत करो, कैलाश की ओर बढ़ता हुआ संकट तो दीपक की लौ की ओर बढ़ते हुए उस कीट पतंगे की भांति जो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कैलाश पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कैलाश तो सारे संकटों से परे है। हे प्रभु, मैंने आपकी परिक्रमा की, आपका अभिषेक किया, आपके प्रिय बेलपत्र भी आपको समर्पित किए, फिर भी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं प्रभु? मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु, मेरी माता के आज्ञा का पालन करने हेतु मुझे आपको अपने साथ ले जाना ही होगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। उचित है महादेव, अगर आप यहां प्रकट नहीं हुए तो मैं आपको कैलाश सहित लंका ले जाऊंगा। इतना बल है मेरी भुजाओं में कि मैं कैलाश को उठाकर ले जा सकूं। हे प्रभु, ये तो बहुत बड़ा अनिष्ट करने का विचार कर रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। कैलाश में प्रवेश की अनुमति नहीं। मुझे कौन अनुमति देगा? तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं कौन हूं? किसी की अनुमति लेना मेरा स्वभाव नहीं, जो मेरी इच्छा होती है उसे मैं बलपूर्वक पूर्ण कर ही लेता हूं। मुझे कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हारे लिए यही उचित रहेगा कि तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, क्योंकि मेरी शक्ति के समक्ष तिनके के समान बिखर जाओगे तुम। तो जाओ, चले जाओ यहां से। अपनी भक्ति और शक्ति का इतना दम मत करो, जो करने का विचार कर रहे हो तुम वो सर्वथा अनुचित है, उसे करने का दुस्साहस मत करो। मेरा दुस्साहस भी साहस ही होता है, और तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम भी ये भली बाती समझ लो कि तुम्हें पराजित करना ही नहीं, कैलाश के साथ महादेव को भी ले जाने का साहस रखता हूं। देखता है कि कौन रखता है मुझे। तुम्हें अब एक तक भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। महादेव का परम भक्त लंकाधिपति दशानन हूं मैं, मुझे तुम तो क्या, कोई नहीं रोक सकता। जिस भक्त का अहंकार ही उसका आभूषण हो वो उसकी दमक दूसरों को अवश्य दिखाता रहता है, किंतु उससे वो कभी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता।